नमस्कार, स्वागत है आपका जनसत्ता में। मैं हूं विभावी दीक्षित, लेकर आई हूं आपके लिए इस वक्त की ताजा खबरें। मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में 30 मई से गिरफ्तार किए गए दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येन जैन का स्वास्थ्य बिगड़ गया है, जिसके बाद उन्हें लोकनायक हॉस्पिटल ले जाया गया। सत्येन जैन को हार्ट चेकअप के लिए हॉस्पिटल में अभी भी रखा गया है। अग्निपथ स्कीम को लेकर देश भर में हो रही हिंसा के बीच में पीएम मोदी का एक बयान सामने आया है। हालांकि उन्होंने सीधे तौर पर स्कीम और उसे लेकर हो रही हिंसा व विरोध का जिक्र नहीं किया है, लेकिन बेंगलुरु में एक प्रोग्राम में उन्होंने कहा कि कुछ फैसले पहली नजर में खराब लगते हैं, लेकिन बाद में ये ही देश को बेहतर बनाने के दिशा में बेहतर कारगर साबित होते हैं। सेना में भर्ती के लिए केंद्र सरकार की ओर से लाई गई अग्निपथ योजना के खिलाफ सोमवार को भारत बंद का आह्वान किया गया। भारत बंद की घोषणा के बीच में कांग्रेस ने भी देशव्यापी विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया है। भारत बंद के कारण कई जगहों पर सड़कें बंद कर दी गई, कई राजमार्गों पर लंबे जाम लग गए। दिल्ली बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे 3 कांग्रेस विधायक समेत 50 लोगों को गिरफ्तार किया गया। दिल्ली में शिवाजी ब्रिज पर यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने अग्निपथ योजना का विरोध किया और ट्रेनों को रोक दिया। देश भर में भारत बंद के दौरान विरोध प्रदर्शनों के चलते रेलवे को करीब 550 ट्रेनों को रद्द करना पड़ा। भारत बंद के महामाया से लेकर नोएडा गेट तक लंबा जाम लगा हुआ था। इसके अलावा दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर पर भी भीषण जाम लगा हुआ। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, सलमान खुर्शीद के सुरेश वी नारायण स्वामी जी समेत कई नेता जंतर मंतर पर राहुल गांधी को ईडी के समन और अग्निपथ योजना के खिलाफ सत्याग्रह कर रहे हैं। युवाओं की ओर से देश के विभिन्न राज्यों में लगातार किए जा रहे हिंसक प्रदर्शनों को देखते हुए पंजाब से लेकर हरियाणा पुलिस को हाई अलर्ट पर रखा गया है। असम में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है और राज्य में 35 से 33 जिलों में लगभग 43 लाख की आबादी बाढ़ से प्रभावित है। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा सरमा ने बाढ़ से गंभीर रूप से प्रभावित क्षेत्रों में भोजन और अन्य राहत सामग्री को हवाई मार्ग से गिराने का निर्देश दिया है। अधिकारियों ने इसकी जानकारी दी। सरमा ने दिन में कैबिनेट सहयोगियों और वरिष्ठ जिला अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक के बाद इसके निर्देश दिए हैं। राज्य में जारी बाढ़ और भूस्खलन से मरने वालों की संख्या सोमवार को बढ़कर 73 हो गई। मृतकों में नगांव जिले के एक थाना प्रभारी सहित 2 पुलिसकर्मी भी शामिल हैं, जो असहाय लोगों की मदद के लिए गए थे, लेकिन बाढ़ के पानी में बह गए। अधिकारियों ने बताया कि सोमवार तड़के उनके शव निकाले गए। शर्मा ने अपने मंत्रियों, राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों और उपायुक्तों के साथ डिजिटल बैठक करी। उन्होंने निर्देश दिया कि राहत और बचाव कार्यों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए और इसमें कोई देरी नहीं होनी चाहिए। मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में सोमवार सुबह सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में एक महिला सहित 3 खूंखार नक्सलवादी मारे गए। इन तीनों पर कुल मिलाकर 30 लाख रुपए से ज्यादा का इनाम था। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इसकी जानकारी दी। गृह सरकार ने नक्सलियों को मार गिराने वाले पुलिसकर्मियों को आउट ऑफ द टर्न प्रमोशन और वीरता पुरस्कार दिए जाने का ऐलान किया है। मिश्रा ने यहां संवाददाताओं को बताया कि यह मुठभेड़ राज्य में राजधानी भोपाल से करीब 450 किलोमीटर दूर बालाघाट जिले के बहेला थाना क्षेत्र में हुई है। उन्होंने कहा कि बालाघाट जिले के बहेला थाना इलाके में पुलिस नक्सलवादी मुठभेड़ में 3 इनामी नक्सलवादियों को मार दिया गया। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी देश दुनिया से जुड़ी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।